Assalamu alaikum, my name is Fatma Shamshad and I welcome you to Javed Publishes. In this video, we are going to learn a lesson from English 5 Plus, that is use of these are. Let's have a look at the expected learning outcomes of today's lesson. By the end of this topic, children will begin to use these are in sentences. We use these are for more than one things which are close to us. पर बच्चों हम these are का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पर हमने एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करनी हो और वो हमारे करीब पड़ी हो। जी हाँ प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ। रीड एंड रीराइट द सेंटेंसेस विद दीज आर। प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पिक्चर को रिकग्नाइज करना है, फिर आपने उनसे मुतालिक जुमले पढ़ने हैं और फिर उन जुमलों को दोबारा लिखना है जो दी गई जगह है उस, ठीक है। प्यारे बच्चों, पहली तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए और मुझे बताएं कि तस्वीर में आपको कितने बैट नज़र आ रहे हैं। जी मुझे तो तस्वीर में एक ही बैट नज़र आ रहा है, यकीनन आपको भी एक ही नज़र आ रहा होगा। तो एक चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दिस, क्योंकि ये चीज़ लड़के के पास पड़ी है तो हम कहेंगे दिस इज़ अ बैट। प्यारे बच्चों, नाउ काउंट द बैट्स इन द नेक्स्ट पिक्चर। 1, 2, 3, देयर आर 3 बैट्स इन द पिक्चर। अब आप मुझे ये बताएं कि बैट लड़के से करीब पड़े हैं या दूर। जी हाँ, ये बैट लड़के के करीब पड़े हैं तो हम यूज़ करेंगे दीज आर बैट्स। जी प्यारे बच्चों, इन द नेक्स्ट पिक्चर वी हैव पेंसिल्स। पेंसिल। अब आप मुझे ये बताएं कि पेंसिल लड़के के करीब पड़ी है कि दूर। जी हाँ, करीब पड़ी है। अब आप ये मुझे बताएं कि पेंसिल्स हैं कितनी, एक है या एक से ज़्यादा है। जी हाँ, एक पेंसिल है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस इज़ अ पेंसिल। प्यारे बच्चों, इन द नेक्स्ट पिक्चर वी हैव हाउ मैनी पेंसिल्स। Yes, more than one pencil. Let's count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 pencils in the picture. तो ये लड़के के करीब पड़ी हैं तो हम कहेंगे these are pencils. प्यारे बच्चों, जो चीज़ें हमारे करीब हैं और एक से ज़्यादा हैं उनके लिए हम दीज यूज़ करते हैं, लेकिन जो सिर्फ एक है और हमारे करीब ही पड़ी है उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ चलते हैं अपनी एक एक्टिविटी की तरफ। प्यारे बच्चों, हमारी पहली एक्टिविटी ये है कि यू हैव टू मेक सेंटेंसेस विद दीज आर। प्यारे बच्चों, तस्वीर में एक से ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं, आपने दीज आर की मदद से जुमले बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी पहली पिक्चर है 3 बॉल की, कितने बॉल्स हैं, 3 बॉल्स। जी तो आपने सेंटेंस बनाना है दीज आर बॉल्स। अब आपने इसको कॉपी करना है और दी गई जगह पे लिखना है। नेक्स्ट पिक्चर है 3 कार्स की, सो व्हाट विल यू राइट, दीज आर कार्स। इसी तरह आपने ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, सेंटेंसेस बनाने हैं और अपने टीचर को चेक करवाने हैं। शाबाश, अब चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। प्यारे बच्चों, अब आप हम करेंगे प्रैक्टिस किस चीज़ की, वी हैव टू मेक सेंटेंसेस विद दिस इज एंड दीज आर। प्यारे बच्चों, आपने पिक्चर को पहचानना है और आपने ये देखना है कि तस्वीर में कितनी चीज़ें हैं, एक है या दो। जिन पिक्चर्स में एक चीज़ें होंगी उसके लिए आप दिस इज से सेंटेंस बनाएंगे और जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी उसके लिए दीज आर के से सेंटेंस बनाएंगे, और इस तरह आपने ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।